धातु निष्कर्षण के अंतर्गत हमने विभिन्न धातु ऑक्साइडों के तापीय अपचयन के द्वारा धातु को निष्कर्षित करने की विधियां जानी हैं, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से ऊष्मागतिकी सिद्धांत हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा भी धातुओं को निष्कर्षित करने की और भी विधियां हैं, जैसे कि किसी धातु के लवण का गलत अवस्था में वैद्युत अपघटन करके धातु प्राप्त करना। इसके अलावा किसी अन्य धातु के उपयोग के द्वारा भी हम धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं, और ये विधियां वैद्युत रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। वैद्युत रसायन के अंतर्गत हमने जाना है कि किस प्रकार से डेल्टा जी यानी कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा इलेक्ट्रोड विभव आपस में संबंधित होते हैं, और इसी संबंध का उपयोग करके हम वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी धातु का अपचयन या रिडक्शन कर सकते हैं। विद्युत रसायन के अंतर्गत हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन ई नॉट एफ के, जहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जबकि e किसी भी निकाय के रेडॉक्स युग्म के लिए विद्युत विभव होता है। और यहाँ पर कैलकुलेशन के आधार पर ये देखा गया है कि यदि किन्हीं दो रेडॉक्स युग्मों के ई नॉट का मान तथा इनका जो अंतर है यदि वह धनात्मक होता है तो पूरी प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया है या प्रक्रम है वह स्वतः प्रवर्तित हो जाता है। और इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम वैद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अधिक सक्रिय धातु होती है वह ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीकृत होकर विलयन में चली जाती है, जबकि जो कम सक्रिय धातु होती है वह विलयन से बाहर निकलकर अवक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट विलयन, और यदि कॉपर सल्फेट विलयन में हम जानते हैं कि कॉपर के आयन उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर यदि उसकी क्रिया जब हम किसी आयरन रॉड से कराते हैं या यहाँ पर इलेक्ट्रोड के तौर पर लेते हैं, तो उस समय यहाँ पर चूँकि आयरन अधिक सक्रिय धातु होती है अतः यह ऑक्सीकृत होकर विलयन में चली जाती है, जबकि कॉपर यहाँ पर अपचयित होकर मुक्त हो जाती है, और इस तरह से हम कॉपर को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर जो कॉपर है वह कैथोड में जाकर, क्योंकि कॉपर पर धनावेश होता है इसलिए यह जाकर वहाँ पर अपचयित होकर कैथोड पर एकत्रित हो जाती है या वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। इस प्रकार के प्रक्रम के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे कि जो भी धातु उत्पादित हो रही है उस धातु की क्रियाशीलता किस प्रकार की है, साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोडों का उपयोग होता है इसलिए इलेक्ट्रोडों का चयन भी विशेष सावधानी के साथ किया जाता है। साथ ही साथ चूँकि यहाँ पर किसी भी लवण के गलित अवस्था में विद्युत अपघटन किया जाता है अतः उस लवण का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए तथा जो गलित विलयन है उसकी चालकता में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर बाहर से कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें हम गालक या फ्लक्स कहते हैं। गालक के तौर पर मुख्य रूप से कैल्शियम फ्लोराइड या फिर सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, जिसका सूत्र होता है Na3AlF6, इसका उपयोग किया जाता है। कुछ मात्रा में एल्यूमिनियम फ्लोराइड का उपयोग भी करते हैं। तो आइए इस पूरी प्रक्रम को हम एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के द्वारा समझते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण एल्यूमिना एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से किया जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसका विशेष नाम होता है जिसे हॉल हेलार्ड प्रक्रम या कहा जाता है, तथा ये जो प्रक्रम है वह इलेक्ट्रोमेटलर्जी का उदाहरण है। इसे हॉल्स का वैद्युत अपघटन प्रक्रम भी कहा जाता है। तो इस प्रक्रम के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह होता है गलित एल्यूमिना Al2O3, जो कि गलित अवस्था में लिया जाता है। साथ ही साथ इसके लिए जो पात्र उपयोग में लाया जाता है या हम कह सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल जो हम उपयोग करते हैं वह स्टील का बना हुआ एक पात्र होता है जिसके अंदर कार्बन की परत चढ़ी हुई होती है, और यह पात्र ही ऋण इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड का कार्य करता है।
साथ ही साथ यहाँ पर एनोड के लिए ग्रेफाइट रॉड का उपयोग किया जाता है। ये ग्रेफाइट रॉड कई संख्या में होती हैं तथा कॉपर प्लग के द्वारा ये इलेक्ट्रोलाइट में नीचे डूबी हुई होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ग्रेफाइट का लिया जाता है और इसके लिए जहाँ पर इसमें डाला जाता है जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है गलित एलुमिना। और इस तरह से जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है यह विघटित होता है और यह बनाता है Al3+ आयन तथा O- आयन। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के आयन होते हैं चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इसलिए ये निकलकर कैथोड की तरफ जो पात्र है कैथोड है ऋण आवेश है उस वहाँ पर चले जाते हैं तथा वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं तथा वहीं पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं निक्षेपित हो जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलती है वह उस पर ऋणावेश है और इसलिए यह पहुँच जाती है एनोड के ऊपर जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है और यहाँ पर इस एनोड में जो कार्बन है उसे यह ऑक्सीकृत करके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन जो कि यहाँ पर ग्रेफाइट की रॉड है उसमें का जो कार्बन है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जलता जाता है और इस तरह से धीरे धीरे ये जो एनोड रॉड है ग्रेफाइट की बनी हुई वह धीरे धीरे कम होती जाती है। और यहाँ पर देखा गया है कि 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए हमें लगभग आधे किलोग्राम कार्बन की आवश्यकता पड़ती है यानी कि इतना कार्बन इसमें जल जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में कार्बन पाउडर को फैला दिया जाता है ताकि जो ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन रॉड का या ग्रेफाइट रॉड का ऑक्सीकरण ना हो बल्कि इस तरह से जो कार्बन पाउडर बचा हुआ है उसका ऑक्सीकरण हो तथा हमारा जो ग्रेफाइट रॉड है वह सुरक्षित बच जाए। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें एल्यूमिनियम कैथोड पर प्राप्त हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को यदि हम लिखें तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है यहाँ पर 2Al2O3 एलुमिना जिसकी क्रिया होती है 3C यानी कि को कार्बन से और ये फलस्वरूप बनता है 4Al+3CO2। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एलुमिना का अपचयन होता है एल्यूमिनियम धातु में जबकि कार्बन का ऑक्सीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर विद्युत अपघटनी अभिक्रिया को हम अलग अलग लिख सकते हैं। जो कैथोड पर क्रिया होती है वो मैंने बताया अपचयन की क्रिया होती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ आयन 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एल्यूमिनियम में यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में ये प्राप्त हो जाते हैं जबकि एनोड पर जो कार्बन है जो सॉलिड फॉर्म में हो वह ऑक्सीजन जो कि गलित अवस्था में होती है उसके द्वारा ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तथा साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है। यहाँ पर एक और अभिक्रिया हम लिख सकते हैं कार्बन सॉलिड की 2O2- के साथ और इस तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तथा 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि इस विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा हम एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ पर एक और उदाहरण हम देखते हैं। यह उदाहरण है हाइड्रो धातु कर्म का। इसे हाइड्रोमेटलर्जी का ये एग्जाम्पल है जिसमें कि हम निम्न कोटि के अयस्क या जो अपकृष्ट अयस्क होते हैं या फिर जो रद्दी धातु होती हैं उसकी सहायता से हम कॉपर को निष्कासित करते हैं या कॉपर को प्राप्त करते हैं। यह कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए निष्कर्षण के लिए विधि उपयोग में लाई जाती है।
इसमें सबसे पहले जो रद्दी धातु होती है या निम्न कोटि के जो अयस्क होते हैं उसका किसी उचित विलायक के द्वारा निक्षालन किया जाता है। इसके लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है या फिर जीवाणु का उपयोग करके यहाँ पर इसका निक्षालन करते हैं। जैसे ही हम निक्षालन करते हैं, क्योंकि हमने जाना लीचिंग प्रोसेस में जो धातु आयन होते हैं वो विलयन में चले आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कॉपर 2+ आयन होते हैं वो विलयन में हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब इन कॉपर आयनों का किसी रद्दी लोहे के रॉड के द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर की तुलना में जो लोहे की रॉड है अधिक सक्रिय होती है और इसलिए यह आसानी से कॉपर आयनों को जो कि विलयन में उपस्थित होते हैं यह कॉपर को अपचयित कर देती है, और या तो फिर यहाँ पर हम जो कॉपर आयनों का विलयन है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके भी यहाँ पर धातु का आयनों का धातु में अपचयन कर लेते हैं तथा अधिक मात्रा में कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी, जिसे हम हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं, इसके द्वारा भी हम निम्न कोटि के अयस्कों से कॉपर धातु प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से धातुओं के निष्कर्षण की, या कह सकते हैं हम और भी अधातुओं के निष्कर्षण की एक और विधि है जिसे हम ऑक्सीकरण अपचयन विधि कहते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो धातुकर्मी प्रक्रम थे उन सभी में धातुओं का निष्कर्षण किया जा रहा था, जिसमें कि धातुओं को अपचयित करके हम प्राप्त करते थे, लेकिन अधातुओं को निष्कर्षित करने के लिए इनका ऑक्सीकरण किया जाता है और इस ऑक्सीकरण प्रोसेस के द्वारा हम धातुओं को निष्कर्षित करते हैं। यहाँ पर हम देखें कि विशेष रूप से अधातुओं के निष्कर्षण के लिए यह प्रक्रम उपयोग में लाया जाता है, और खासकर उदाहरण हम इसका ले सकते हैं। मान लीजिए समुद्री जल या लवण युक्त जल होता है, उसमें से क्लोरीन का निष्कर्षण करना हो तो इस विधि का हम उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि जो समुद्री जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित है, जिसमें से हमें क्लोरीन को निष्कासित करना है, तो इसके लिए ये जो विधि होती है उसमें हम जो लवणीय जल होता है उसका विलयन लेते हैं तथा इसका वैद्युत अपघटन करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो लवण होगा वह आयनों में, जब हम इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो यह आयनों में टूट जाएगा, यहाँ पर सोडियम आयन बनेंगे तथा क्लोराइड माइनस आयन बनेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जल भी OH- आयनों तथा H+ आयनों में टूट जाएगा, और इस अभिक्रिया के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2Cl- plus 2H2O is equal to 2OH- aqueous plus H2 gas plus Cl2 gas। इस प्रकार की यह प्रक्रिया होती है, और यह देखा गया है कि इस प्रक्रिया के लिए जो डेल्टा जी का मान होता है वह होता है प्लस 422 किलो जूल पर मोल, और यदि इस डेल्टा जी के मान को हम इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NEF इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ पर जो ई नॉट का मान प्राप्त होता है वह होता है 2.2 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि यदि हम लवण का विलयन ले लें, जलीय विलयन ले लें, और इस तरह से यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करें और उसमें जो उसकी जो विद्युत धारा होगी वह 2.2 वोल्ट से अधिक यहाँ पर विद्युत वाहक बल बाहर से जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आसानी से विद्युत अपघटन होगा और यहाँ पर जो क्लोरीन होगी वह एनोड पर जाकर हमें प्राप्त होगी, क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत हो जाएंगे और यहाँ पर क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो विलयन में अब जो पॉजिटिव आयन है उसमें H+ आयन भी है तथा सोडियम आयन भी है, लेकिन हम जानते हैं कि सोडियम की तुलना में जो हाइड्रोजन है उसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, तो यहाँ पर अपचयन के लिए सोडियम न जाकर हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर और वहाँ पर यह अपचयित होकर हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगा। साथ ही साथ विलयन में हमारे पास बचेंगे सोडियम आयन तथा OH- आयन और ये दोनों मिलकर बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा।
तो इस तरह से हम धातुओं के साथ साथ अधातुओं को भी निष्कर्षित करके ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा निष्कर्षित करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है भिन्न भिन्न विधियाँ जिसके द्वारा हम धातुओं के ऑक्साइडों से धातुओं का तापीय अपचयन करके या फिर धातुओं के लवण के गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन करके धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि दूसरी किसी सक्रिय धातु का उपयोग करके भी हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। धातु के निष्कर्षण की विधियाँ जान लेने के पश्चात आइए अब हम जानते हैं धातुओं को के शोधन की विधियाँ। आइए अब हम जानते हैं धातुओं के शोधन की विधियाँ। धातुओं का निष्कर्षण किसी भी विधि के द्वारा किया गया हो, लेकिन इस प्रकार से निष्कर्षित धातु में कुछ सामान्य अशुद्धियाँ उपस्थित होती ही हैं, जिन्हें हम विभिन्न विधियों के द्वारा अलग अलग करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इस तरह से अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कोई भी विधि इस तथ्य पर आधारित होती है कि यहाँ पर जो धातु है तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियां हैं उनके गुणों में अंतर होना चाहिए। यहां पर कुछ विधियों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि आसवन विधि या डिस्टिलेशन। दूसरी विधि है द्राव गलन परिष्करण या जिसे हम लिक्वेशन कहते हैं। तीसरी विधि है वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसके बाद चौथी विधि है मंडल परिष्करण या जिसे हम कहते हैं जोन रिफाइनिंग। इसके बाद विधि है वाष्प प्रावस्था परिष्करण या जिसे हम वेपर फेस रिफाइनिंग कहते हैं। इसके बाद एक और विधि है, वह है वर्णलेखनी या क्रोमेटोग्राफी। आइए अब हम इन सभी विधियों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं आसवन विधि या डिस्टिलेशन। कक्षा 11वीं में हमने आसवन के विषय में जाना है। आसवन में मुख्य रूप से दो प्रक्रम शामिल होते हैं, एक पहला वाष्पीकरण तथा दूसरा संघनन। यहाँ पर जो आसवन क्रिया कराई जाती है उसके लिए एक आसवन फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। जो ऑपरेटर्स उपयोग में लाया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो आसवन फ्लास्क है उसमें धातु को या धातु जो अशुद्ध धातु है उसे ले लिया जाता है, और ये जो आसवन के द्वारा या डिस्टिलेशन के द्वारा धातु के शोधन की विधि है वह मुख्य रूप से कम क्वथनांक वाली धातुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर जिंक ले सकते हैं या मरकरी ले सकते हैं। और यह इस तथ्य पर आधारित होती है कि जो यहाँ पर धातुएँ होती हैं उनके क्वथनांक कम होंगे, जबकि अशुद्धियाँ हैं उनके क्वथनांक अधिक होते हैं। तो जैसे ही आसवन फ्लास्क में इस अशुद्ध धातु को लेकर गर्म किया जाता है, तो जैसे ही इन धातुओं का क्वथनांक बिंदु आता है, धातुएं वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाती हैं तथा यह कंडेंसर में जाकर सीधे ठंडी होती हैं तथा ये द्रव अवस्था में प्राप्त होती हैं तथा जिन्हें बाद में ठंडा करके ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो अशुद्धियाँ होती हैं उनके क्वथनांक अधिक होते हैं, इसलिए ये आसवन फ्लास्क में ही रुकी रहती हैं। और इस तरह से आसवन प्रक्रिया के द्वारा हम निम्न क्वथनांक वाली धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरी विधि है वह है लिक्वेशन या जिसे हम कहते हैं द्राव गलन परिष्करण, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। इस विधि में धातु को गलाया जाता है, और यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि जो धातु होती हैं उनके गलनांक कम होते हैं जबकि अशुद्धि के गलनांक अधिक होते हैं, और इसीलिए यह विधि कम गलनांक वाली धातुओं जैसे कि टिन के लिए उपयोग में लाई जाती है। और इसके लिए जो भट्टी या फर्नेस उपयोग में लाई जाती है उसकी सतह ढालदार होती है, और यहाँ पर एक किनारे सतह पर अशुद्ध धातु को उसके गलनांक के ताप तक गर्म किया जाता है, जिससे धातु पिघल कर
गलित होकर या ढालदार सतह से बहती हुई आगे निकल जाती है, जबकि अशुद्धियाँ जिनका गलनांक अधिक होता है वो पिघलती नहीं है और उसी अवस्था में रह जाती हैं, और इस तरह से इस गलित शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरह से द्राव गलन परिष्करण विधि के द्वारा हम कम गलनांक वाली धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जो तीसरी और काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है वह विधि है वैद्युत अपघटनी शोधन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। वैद्युत अपघटन शोधन के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत अपघटन प्रक्रिया की जाती है, और इसके लिए हम यहाँ पर एक पात्र लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनोड और कैथोड बनाए जाते हैं वह उसी अशुद्ध धातु के होते हैं। यहाँ पर जो एनोड बनाया जाता है वह उसी अशुद्ध धातु का होता है जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है। तो इस तरह से अशुद्ध धातु का काफ़ी मोटी रॉड बना दी जाती है तथा उसका संबंध बैटरी के धन ध्रुव से कर दिया जाता है, और यह अशुद्ध धातु की रॉड एनोड का कार्य करती है। दूसरी ओर कैथोड भी उसी धातु की ली जाती है, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में धातु की पतली पट्टी ली जाती है, और इस तरह से उसका संबंध हम कैथोड से कर देते हैं, उसका संबंध ऋण ध्रुव से कर देते हैं तथा इसे हम कैथोड बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वह उसी धातु का कोई लवण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी जो विद्युत अपघटनी सेल तैयार हो जाती है, और इसके फलस्वरूप जैसे ही हम यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ पर जो एनोड है जिसमें कि अशुद्ध धातु है वह यहाँ से घुलती जाती है, यानी कि जो धातु है वह धातु आयनों के रूप में विलयन में चली जाती है, और यहाँ से यह कैथोड पर पहुँचती है जहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रोसेस के प्रारंभ में जब हम लेते हैं तो यहाँ पर अशुद्ध धातु की रॉड काफ़ी मोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रम पूरा होने को आता है उस समय जो कैथोड है जहाँ पर शुद्ध धातु डिपॉजिट हो रही है वह कैथोड वाली रॉड जो कि काफ़ी पतली थी वह काफ़ी मोटी हो जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर जो देखें अशुद्ध धातु से जो शुद्ध धातु के आयन हैं वह तो कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं वह क्योंकि कम सक्रिय होती हैं या कम क्षारीय होती हैं इसलिए यह वहाँ पर जाकर अपचयित नहीं हो पाती हैं, और यह एनोड के नीचे ही एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। यहाँ पर हम बता दें कि जो एनोड पंख होता है उसमें ज़्यादातर यहाँ पर एंटीमनी या फिर सिलेनियम, टेलुरियम या फिर सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जैसी धातुएं होती हैं, और यहाँ पर इन धातुओं का निष्कर्षण करके, क्योंकि ये कीमती धातुएं होती हैं अतः इन धातुओं का को निष्कर्षित करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त करके यहाँ पर जो भी वैद्युत अपघटन से संबंधित जो भी जो खर्च होता है उसकी पूर्ति कर ली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि जो यहाँ पर वैद्युत अपघटनी जो प्रक्रम होती है, प्रोसेस होती है, उसमें अभिक्रिया किस प्रकार से होती है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर जो एनोड है जैसे मैंने बताया यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और यहाँ पर जो भी धातु होती है वह धातु आयन के रूप में विलयन में चली जाती है तथा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। कैथोड पर जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है उनका उपयोग किया जाता है। अब ये जो धातु आयन होते हैं वह धनात्मक आयन ये कैथोड पर जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये धातु के रूप में उसी कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिन्हें बाद में प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि के द्वारा मुख्य रूप से कॉपर का शोधन किया जाता है, साथ ही साथ जिंक के शोधन के लिए भी हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा हम शुद्ध अवस्था में कॉपर तथा जिंक धातु प्राप्त कर सकते हैं।